से आगे है माता तारा देवी जी का टेंपल, तो रोड काफी मतलब पतला सा रोड है यहाँ पे। और देखो ये है नालागढ़ का शहर पूरा, नीचे देखो ये एक इंडस्ट्री है यहाँ पे, और ये सारा है नालागढ़ का शहर। हेलो दोस्तों, आज संडे है तो आज मैं सोचा कि कहीं घूमने जाऊं। और आज जब मैं जा रहा हूं माता तारा देवी जी के टेम्पल पे, तो जो टेम्पल है वो नालागढ़ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो अभी मैं जा रहा हूं, रास्ते में हूं अभी। अभी मैंने गाड़ी में तेल डलाया, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे रोड और वहाँ पे कैसे कैसे पहुँचा जाता है। ये जो है नालागढ़ का ये बड़ा बड़ा अच्छा ओल्ड बस स्टैंड है, ये नालागढ़ का। तो सामने देखो आप, ये ओल्ड बस स्टैंड है। तो आपने यहाँ से जाना है, अभी जो रेसवार घाट वाला रोड है सामने, उस रोड पे जाना है। तो यहाँ देखो ये जो लेफ्ट साइड की रोड गया, ये गया है उन्ना को। हम यहाँ सीधे रेसवार घाट वाले रोड पे, रेसवार घाट बिलासपुर का रोड। इसमें लिखा है ऊपर, देखो बोर्ड दिखा दिया, तो उसमें लिखा है शिमला। तो राइट साइड पर शिमला वाला रोड, तो हमने जाना है शिमला वाले रोड पे। ये है शिमला वाला रोड। यहाँ से मैंने आपको दिखाया था शिमला के रोड के लिए हम टर्न किए थे, वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे आके इस लोकेशन पे आते हैं। और इस लोकेशन पे आप देख सकते हो महा मुनि पराशर ऋषि जी का मंदिर है, और यहीं पे देखो साथ में यहाँ पे है प्राचीन तारा देवी मंदिर। इसी रोड पे ऊपर जाना है हमने, इस रोड पे। तो देखो यहाँ से है आगे रास्ता माता तारा देवी जी के टेम्पल के लिए। तो ये देखो ये है प्राचीन तारा देवी जी टेम्पल, और इस तरह का सिंगल लेन रोड है यहाँ पे। इसी इसी रोड पे आया मैं, और ये रास्ता है अब आगे। तो हम पहुँच गए हैं माता तारा देवी जी के टेम्पल पे। आप भी मेरे साथ माता तारा देवी जी के दर्शन कर लीजिए। सामने माता तारा देवी जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे और आते हैं। हमें प्रसाद के रूप में लड्डू मिला। तो माता तारा देवी जी के बारे में ये बताया गया है यहाँ पे। हमने लंगर भी खाया मंदिर में, और बहुत ही सुंदर लोकेशन है यहाँ पे। जो लोकेशन है ये नालागढ़ के सामने एक पहाड़ है, पहाड़ पे है, और बहुत ही शांत लोकेशन है। जंगल के बीच में ये लोकेशन है, बहुत ही शांति फील होती है यहाँ पे। और सामने ही ये जो आप देख रहे हैं, ये नालागढ़ का पूरा शहर है। अगर आप नालागढ़ में रहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आप मानसिक शांति का आनंद यहाँ पे ले सकते हो, माता के दर्शन भी कर सकते हो। ये देखो आप, ये है सारा नालागढ़ का शहर पूरा, ये नालागढ़ का सिटी है। तो यहाँ मैं एक बार सोच रहा था कि देखो आप इस शहर को देखो जरा, कितना घना शहर है ये। बट आप जितना इस पहाड़ी के ऊपर ऊपर जाते रहोगे, आपको देखोगे यहाँ पे गांव ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है आसपास। मतलब यहाँ देखो कितनी डेंसिटी में बसा हुआ है शहर, और यहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं है। तो अगर आप शहर में यहाँ पे रहते हो, तो आप अगर थोड़ा एकांत चाहते हो तो ये जगह भी बहुत अच्छी है एकांत के लिए। और यहाँ घूम सकते हो आप, अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल जंगल का एरिया है पूरा।